पाकिस्तान समेत दुनिया भर में फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम सर्विसेज बहाल हो गई। नामालूम वजूहात के बिना पर तीनों एप्लीकेशन 7 घंटे बंद रही। एप्लीकेशन की बंदिश से अरबों सार्फिन को मुश्किलात का सामना रहा। सर्विस मुतासर होने की वजह से फेसबुक को शदीद नुकसान का सामना। फेसबुक के शेयर की कीमत 5.7% तक गिर गई। फेसबुक को स्टॉक मार्केट में $50 अरब का भी नुकसान हुआ। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम की सर्विसेज 7 घंटे की बंदिश के बाद बहाल हो गई। फेसबुक और व्हाट्सएप ने वाज़ेह तौर पर एप्लीकेशन की बंदिश की कोई वजह नहीं बताई। ताहम माहरीन की जानिब से मुख्तलिफ वजूहात बताई जा रही हैं। माहरीन का कहना है फेसबुक जो वैब निजाम में तब्दीली की वजह से मसला पैदा हुआ। बरतानवी मीडिया के दावे के मुताबिक सर्वर को अपडेट करने में मसला पैदा हुआ था, जिसके बाद एप्लीकेशन सर्विसेज मुतासिर हुई। ट्रैफिक राउटिंग मसाइल के बाद सर्विस इंटरनेट से गायब रही। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक सोशल मीडिया एप्लीकेशन की कई घंटों की बंदिश से कंपनी को 12 खरब रुपए से ज्यादा के नुकसान का तखमीना बर्दाश्त करना पड़ा, जबकि सर्विस मुअत्तल होने से दुनिया की मईशत को $160 मिलियन का नुकसान हुआ।